पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राहगीरों से लूटपाट करने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया, साथ ही 6 अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 पिस्टल समेत कई हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पत्रकार नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और बताया कि सभी आरोपी पटना में जमीन पर जबरन कब्जा भी किया करते थे। इतना ही नहीं, सभी लोग दुकानदारों से रंगदारी वसूल करते थे। लोगों ने FIR रजिस्टर किया है, प्राथमिकी रजिस्टर किया है, लेकिन अभी भी हम इसको जांच में रखे हुए हैं, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट में पहले जनवरी में भी घटना हुई थी, उसमें भी उस वक्त भी FIR हुआ था। सेम उन्होंने वार्डर्स बताया था कि DVR नहीं है, कोई CCTV फुटेज नहीं, अज्ञात के ऊपर केस हुआ, तो केस अभी अनुभेदित है। उसके बाद जो पूरे फ्लिपकार्ट का जो गोदाम था उसका हम लोगों ने ऑडिट किया था और उसमें डबल लॉक की व्यवस्था, बैकअप की व्यवस्था सभी बताया गया था। पहली बार भी जो उन्होंने केस किया था, तकरीबन घटना होने के 1.5 घंटे के बाद थाना को सूचना मिली थी, और इस बारी भी जो इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, कथित घटना के लगभग 1 घंटे के बाद थाना को सूचना दी है। तो हम लोग इस चीज़ की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि पहली घटना भी इन लोगों ने अपना इंश्योरेंस क्लेम किया था, लेकिन फिलहाल हम लोग घटना को, क्योंकि हम लोगों का काम है प्राथमिकी दर्ज करना, घटना को सत्य मानते हुए हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ और मैनेजर हैं उनका भी रोल संदेहास्पद है और उनकी भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये अभी तक इनका कोई भी FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, इन्होंने अब इनका हम लोगों ने खुलासा किया है। तो कुछ जो ऑटो में जो सवारियाँ बैरिया बस स्टैंड से निकल रही थी, रामकृष्ण नगर में केसेज हुए हैं ज्ञात लोगों के ऊपर, पत्रकार नगर में हुए हैं, उनका इन्होंने कन्फेस किया है, और इसके अलावा चेन स्नैचिंग की